नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टैक इन हिंदी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रेलवे में जो 10 दिन की लीव इनकैशमेंट हम लोग कराते हैं, पहले जो प्रोसेस ऑफलाइन होता था, अब वही प्रोसेस HRMS के थ्रू 11 दिसंबर 2023 से होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से आप HRMS पोर्टल पे जाके और लीव इनकैशमेंट के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा प्रोसेस देखने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखिए ये HRMS का पोर्टल पे लॉगिन किया हुआ है और इसका जो मेन डैशबोर्ड है ये हमारे सामने आ रहा है। तो इसमें दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा लीव मैनेजमेंट का जो है इस पर क्लिक करेंगे और लीव मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार का डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन हैं। तो इसमें है एप्लीकेशन फॉर लीव इनकैशमेंट, अगर लीव इनकैशमेंट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। और इधर है माई लीव इनकैशमेंट्स, पहले जो हम कर चुके हैं वो सारे यहाँ दिखाई देंगे। तो हमें नया आवेदन करना है तो हम क्या करेंगे, लीव एप्लीकेशन फॉर लीव इनकैशमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि लीव बैलेंस एज ऑन डेट, तो आज की डेट में हमारा जो लीव बैलेंस है वो है दोस्तों 198। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ लीव इनकैशमेंट ऑलरेडी अवेल्ड। अब ये पूछ रहे हैं कि आप अब तक कितनी बार लीव इनकैशमेंट करा चुके हैं, कितनी छुट्टियाँ बेच चुके हैं, ये नहीं दोस्तों, यहाँ लीव इनकैशमेंट कितनी बार, क्योंकि पूरे सर्विस के दौरान सिर्फ 6 बार लीव इनकैशमेंट होता है। तो हमने दोस्तों पहले 2 बार लीव इनकैशमेंट करा लिया है और ये हमने मैनुअल कराया था, क्योंकि HRMS में तो अभी शुरू हुआ है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे ब्लॉक ईयर दिए हुए हैं, इन ब्लॉक ईयर में से वो 2 जगह हमें, मतलब जो 2 ब्लॉक हैं वो चुनने हैं कि कब कब हमने लीव इन्वेस्टमेंट लिया था। तो ये डिटेल भी दोस्तों हमें बिल्कुल सही चूज करनी चाहिए। देखिए हमने जैसे जुलाई 2019 में 1 बार लीव इन्वेस्टमेंट लिया था, तो जुलाई 2019 वाला ये आएगा आपका 1/9/2018 से 31/8/2020 का जो ब्लॉक ईयर है इसमें आएगा, तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया। दूसरा हमने लिया था मई 2022 में, तो ये दोस्तों 1/9/2020 से और 31/8/2022 तक ये इस ब्लॉक में आ गया। तो हमने ये दोनों ब्लॉक चूज कर लिए कि इन ब्लॉक्स में हमने पहले लीव इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं। अब नीचे देखिए लीव इनकैशमेंट्स बैलेंस एक्सक्लूडिंग करंट एप्लीकेशन, अब ये पूछ रहे हैं कि अब जो बचा है बैलेंस वो हमारा कितना है, हम 4 बार और अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे देखिए इस एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल करते हैं नीचे। तो यहाँ पे देखिए करंट ब्लॉक ईयर दिखा रहा है, जो ब्लॉक ईयर फ्रॉम 1/9/22 से और ब्लॉक ईयर 31/8/24 तक। दोस्तों एक ब्लॉक ईयर में आप सिर्फ एक ही बार लीव इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, यानी कि 1/9/2022 से 31/8/2024 तक हम सिर्फ एक बार ही लीव इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। उसके बाद अगला लीव इन्वेस्टमेंट लेने के लिए हमें अगले ब्लॉक ईयर में जाना पड़ेगा। और एंडिंग डेट फॉर अवेलिंग, तो ये जो ब्लॉक ईयर है इसके लिए हम 31/8/2025 तक लीव इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट पर क्लिक कर देंगे, यानी कि इस करंट ब्लॉक ईयर के लिए हम लीव इनकैशमेंट करा रहे हैं। और लीव डेज टू बी इनकैश, देखिए यहाँ पे लीव डेज टू बी इनकैश, यहाँ पे अपने आप ही दोस्तों 10 लिखा हुआ आ गया है कि हम 10 दिन का जो लीव है उन्हें इनकैश करा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लिंक सेंक्शनड लीव CL या LAP, यानी कि आपने या CL लिया या LAP, उनको इस लिंक पर क्लिक करके इससे लिंक करना है और पास भी लिंक करना है कि आपने कौन सा पास इसके लिए लिया है। अब ऊपर देखिए दोस्तों रेड अक्षरों में ये देखिए लिखा रहा है वेदर बिलोंग्स टू कैटेगरी रनिंग स्टाफ एंड स्टेशन मास्टर,
अगर आप रनिंग स्टाफ हैं या स्टेशन मास्टर हैं तो दोस्तों आपको लीव लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखिए करके दिखाता हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा कि मान लो क्लिक करने का मतलब है कि हम रनिंग स्टाफ हैं या स्टेशन मास्टर हैं, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए लीव लिंक करने का सिस्टम गायब हो गया और यहाँ सिर्फ पास लिंक करने के लिए आ रहा है। तो ये रनिंग स्टाफ और स्टेशन मास्टर्स के लिए लीव लिंक करने के लिए कोई ऑप्शन वो नहीं है ऑप्शन कि वो लीव लिंक करें, तो हमें लीव लिंक करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर देखेंगे कि लीव एप्लीकेशंस विद लीव स्टार्ट डेट, तो 30 दिन 90 दिन प्लस माइनस के जो डेज हैं फ्रॉम डेट ऑफ अप्लाइंग एंड स्टेटस ऑफ सेंक्शन आर शोन अबव, प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ द लीव, यानी कि 90 दिन प्लस माइनस की डेट यहाँ दिखाएगा, 90 दिन आगे की 90 दिन पीछे की, तो उन लीव्स को आप यहाँ उनके सामने क्लिक करके अटैच करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपकी लीव अटैच हो जाएगी। अभी हमने कोई लीव इसके लिए नहीं ली है। इसके बाद दोस्तों जो लिंक पास है इस पर क्लिक करने के बाद जितने भी पास आपने लिए हैं, देखिए अभी हमारे पास ये पास दिखा रहा है कि इतने पास हमने लिए हैं, तो कोई भी पास पे दोस्तों हम यहाँ क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमें अटैच करना है, तो ये पास जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करते ही ये हमारा लिंक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लिखा है ओनली प्रिविलेज पास PTO विच आर करेंटली वैलिड आर शोन, प्लीज सेलेक्ट एनी वन, यानी कि जो पास PTO हैं जो करेंटली वैलिड हैं उन पे आप यहाँ क्लिक करिए और सेलेक्ट कोई एक सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। और नीचे लिखा है प्लीज नोट दैट द प्रिविलेज पास PTO सेलेक्टेड फॉर इनकैशमेंट कैन नॉट बी कैंसल, यानी कि अगर आपने कोई पास PTO लीव इनकैशमेंट के लिए सेलेक्ट कर लिया तब फिर आप दोस्तों उसको कैंसिल नहीं करा सकते हैं। तो हमने एक पास चूज किया और यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। प्रोसीड पर क्लिक करते ही दोस्तों देखिए पास नंबर इश्यू डेट वैलिड अप टू ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यानी कि ये पास हमारा लिंक हो चुका है। लीव हमने लिंक नहीं की है लेकिन प्रोसेस आपको बता दिया है कैसे करना है, अभी हमारी कोई लीव सैंक्शन नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है। और नीचे आते हैं, इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा, इसका मतलब है इट इज़ सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉट अवेल्ड द फैसिलिटी ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, इट इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड दैट आई विल अवेल आई हैव अवेल्ड द फैसिलिटी ऑफ रेलवे, तो ये एक स्पष्टीकरण हो गया कि हमने लास्ट 2 ईयर्स में कोई भी जो लीव इनकैशमेंट है वो नहीं लिया है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे दोस्तों फॉरवर्ड लीव, अब ये जो फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपको अपने डीलिंग क्लर्क पे भेजना है। अब डीलिंग क्लर्क पे अगर देखिए यहाँ पे क्लिक करने से सर्च करने से डीलिंग क्लर्क का नाम नहीं आ रहा है, तो डीलिंग क्लर्क का नाम कहाँ आएगा मैं बता देता हूँ, मॉडिफाई सर्च रेंज पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पे अपना जॉन चूज करेंगे फिर डिपार्टमेंट। अब डीलिंग क्लर्क का डिपार्टमेंट कौन सा होता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए डीलिंग क्लर्क को आप पर्सनल चूज करेंगे, यहाँ हमने पर्सनल चूज कर लिया और सब डिपार्टमेंट नॉट एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे अपना डिवीजन चेंज करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों अगर हम डीलिंग क्लर्क चूज करते हैं तो उनका नाम लिखेंगे, नाम लिखते ही दोस्तों डीलिंग क्लर्क यहाँ पे आ जाएंगे और उसके नीचे देखिए यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, जैसे ही हम सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे हमारा लीव इनकैशमेंट का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। और हमने दोस्तों इसमें जो पुरानी डिटेल भरी है, ये जो पुरानी डिटेल हमने फिल की है कि हमने पिछली बार कब लीव इनकैशमेंट लिया था, तो ये इस चीज़ को हमारे डीलिंग क्लर्क ही वेरीफाई करेंगे और उसके बाद इस एप्लीकेशन को आगे अन्य अधिकारियों के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस जिससे हम HRMS में लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बताया गया आपको प्रोसेस अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।